हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बासी रोटी का रेसिपी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए दोस्तों बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने मटर ले लिया है, टमाटर ले लिया है, गाजर को कद्दूकस कर लिया है, यहाँ पर लहसुन प्याज मिर्चा को भी काट लिए हैं। अब चलते हैं रोटी को काटने। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने 4 रोटी को ले लिया है। अब इसको फोल्ड करेंगे, चाकू से हमको काट लेना है। देखिए हमने कितना मस्त रोटियों को काट लिया है। अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो अपने घर ट्राई जरूर कीजिएगा दोस्तों, बहुत मस्त रेसिपी बनेगा। देखिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा पानी ले लिया, अब इसको ऐसे कद्दूकस कर लेना है। अगर आपके घर पनीर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वैसे भी बना। देखिए दोस्तों कितना मस्त हमने कद्दूकस कर लिया है। बनाना स्टार्ट करने चलते हैं। गैस पर हमने कढ़ाई रख के गर्म कर लिया, अब इसमें डालेंगे तेल। कढ़ाई में हमने तेल को गर्म कर लिया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा। देखिए दोस्तों जीरा के नमक पक चुका है। अब इसमें डालेंगे लहसुन प्याज और मिर्चा का जो कद्दूकस किया है वो डाल देंगे। अब थोड़ा सा इसको चला देते हैं। ऐसे ही पकने देते हैं 2 मिनट तक ले। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है। अब इसमें डालेंगे जो कद्दूकस किया है, टमाटर डाल देंगे। टमाटर को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए दोस्तों कितना मस्त लग रहा है देखने में। टमाटर भी भून चुका है, ज़्यादा जलाना नहीं है। अब इसमें डालेंगे मटर, ज़्यादा नहीं मटर डालना है। मटर को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे गाजर का कद्दूकस जो किए हैं हम। डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत मस्त रेसिपी बनेगा दोस्तों, आप भी घर पर ट्राई जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसको 2 मिनट तक ले ढक देंगे ताकि अच्छे से पक जाए। 2 मिनट हो चुका है दोस्तों, देखिए कि नमक पक चुका है। अब इसमें डालेंगे पनीर जो कद्दूकस किए हैं। पनीर डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें भूनने के लिए। आप लोग देख सकते हैं कितना मस्त कलर आ चुका है। इसको हमेशा चलाते रहना, नहीं तो तली में पकड़ लेगा दोस्तों। चलाने से तली नहीं पकड़ेगा, अच्छे से भून जाएगा। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बना सकते हैं, ब्रेकफास्ट के लिए बना सकते हैं। बहुत टेस्टी और हेल्दी है दोस्तों। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच चाट मसाला। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। इन दोनों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप लोग देख सकते हैं कितना मस्त दिखने में लग रहा है दोस्तों, बहुत चटपटा रेसिपी है दोस्तों, आप भी बना के देख सकते हैं। इसको ऐसे ही चलाते रहना है। आप लोग देख सकते हैं कितना मस्त पनीर भी भून चुका है। अब इसमें डालेंगे रोटी का टुकड़ा जो कद्दूकस किए थे। डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। ऐसे ही रोटी को चलाते रहना है। देखिए दोस्तों कितना मस्त लग रहा है, जैसे लग रहा है कि ताज़ी रोटी है। आप ताज़ी रोटी का भी यूज कर सकते हैं अगर आपके घर बासी रोटी ना बचे हो तो। वैसे तो सबके घर में बच ही जाता है। ऐसे ही मिक्स करते रहना है, मिक्स सारा मिक्स कर दिया। अब इसको 2 मिनट तक ले ढक देते हैं। 2 मिनट हो चुका है दोस्तों, देखिए कितना मस्त रेसिपी बन के तैयार हो चुका है। आप भी बनाइएगा ज़रूर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर दोस्तों। अब गैस को हम बंद कर देते हैं। अब चलिए टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा है। आप लोग देख सकते हैं हमने कटोरी में निकाल लिया है। अब टेस्ट करते देखते हैं कैसा है। बहुत मस्त बना है सर दोस्तों रेसिपी।
आप भी घर पे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आप इसे लंच बॉक्स के लिए भी बना सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। थैंक यू।